कितनी दूर है महाराज? बस थोड़ी सी और दूर है। पानी 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 महाराज, पानी। यहाँ बैठ जाइए महाराज। पानी 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 महाराज, पानी। सैनिकों जाओ, रानी के लिए कहीं से जल की व्यवस्था करो। जी महाराज। पानी पानी पानी। अरे वो कौन है? अरे चलो देखते हैं कौन है वो, चलो। पानी पानी महाराज, पानी पानी पानी। आप देवी देवता रूपी लोग कौन हैं? महाराज मैं सोकागढ़ का व्यापारी सुनपत हूँ, और ये मेरी धर्म पत्नी गांगुली है। और आप कौन है महाराज? मैं बैराय का राजा दुलाशाही हूँ। क्षमा करें महाराज, हम आपको पहचान नहीं पाए। सुनपत जी बैठिए। जी महाराज। महाराज आप इस जंगल में कैसे? हम बागनाथ मंदिर दर्शन को जा रहे हैं। अरे हम भी तो वही जा रहे हैं महाराज। चलो ये तो अच्छी बात हुई, साथ ही साथ दर्शन भी हो जाएंगे। जी महाराज साथ चलते हैं। ये लीजिए महाराज, पानी ले आए। अरे महारानी की प्यास तो इन देवी देवता रूपी लोगों ने ही बुझा दी। तो चले महाराज दर्शन के लिए। हाँ चलिए, ठीक है चलिए। महारानी आप यहाँ क्या मांगने आई हैं? अरे बहन हम तो पुत्र विहीन हैं, इसीलिए हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। और बहन आप क्यों आई हैं यहाँ? हमारी भी यही पीड़ा है बहन। अच्छा महाराज हमें इजाजत दीजिए। सुनपत जी अगर हम इस मुलाकात को रिश्तेदारी में बदल दे तो कैसा रहता? महाराज मैं कुछ समझा नहीं। अरे सुनपत जी आपकी पुत्री होगी या मेरा पुत्र होगा, या मेरी पुत्री होगी या आपका पुत्र होगा, तो उन दोनों का हम विवाह करा देंगे। ये क्या कह रहे हैं महाराज? सुनपत जी मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मेरा वचन है। जय हो महाराज।
राजूला, राजूला, राजूला। राजूला, तुम्हारी ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं और तुम्हारे ये बाल, मन करता है कि इनमें डूब जाओ। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ मुझे लेने कब आ रहे हो? बहुत जल्द आऊंगा राजूला तुम्हें लेने, बहुत जल्द। तुम क्या आओगे, मैं खुद ही आ जाऊंगी। राजूला उठ बेटा, कितना सोएगी? क्या हुआ माँ, इतना अच्छा सपना देख रही थी, उठा दिया तुमने मुझे। क्या सपना देख रही थी? मालूसाई को देख रही होगी सपने में। तू चिंता मत कर बेटा, आज तेरे पिताजी जा रहे हैं बैराट तेरी शादी का रिश्ता लेके। क्या माँ, सच में? हाँ बेटा, सच में। चलो हाथ में तोले तैयार है। अब क्या हुआ? ये लो खाना, रास्ते में खा लेना। हाँ हाँ मैं खा लूंगा। और लड़की की बात करने जा रहे हो, ठीक ढंग से करना। बिल्कुल, मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, चिंता मत कर। और हाँ, यहाँ घर में राजूला का ध्यान रखना, तुम लोग भी सही से रहना। शेख जी रुको, विकी पाल का पैगाम है, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी अधीनता को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अभी बैराट जा रहा हूँ और विकी पाल से तो मालूसाही ही हमारी रक्षा करेंगे। आप अब बिल्कुल मत घबराओ। महारानी की जय हो। सेनापति, अगर कोई व्यक्ति सौकादेश से आए तो उसे महल में नहीं घुसने दिया जाए और मालूसाही से नहीं मिलने दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। और हाँ, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। अवश्य महारानी। माँ, देश में सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सबसे बड़ा देश बैराट है बेटा। अच्छा माँ, ये बताओ सबसे महान राजा कौन है? सबसे महान राजा है मालूसाही, वो तो बहुत बड़ा राजा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो तेरी शादी होने वाली है, तू तो राज करेगी, राज। बंद करो मालूसाही की तारीफ करना। अरे क्या हुआ? शादी की बात तो रही दूर, वो तो हमारे देश से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं। गांव में अपनी अच्छी इज्जत है, अपने आप को क्या समझते हैं वो? अब इसे क्या हुआ, लगता है गुस्सा हो गई। बेटा। मां आप यहां,
आओ ना माँ। बेटा क्या बात, तुम हमेशा उधेड़बुन में ही रहते हो? क्या आप सपनों पे विश्वास रखती हैं? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे सपनों में हर रोज आती है माँ। क्या नाम है बेटा उसका? राजुला। माँ, राजुला सच में बहुत खूबसूरत है, मन करता है कि हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहूं। वो कहाँ रहती है बेटा? सोका देश। सोका देश? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। हाँ माँ, सोका देश। परंतु आप इतना घबरा क्यों रहे हो माँ? बेटा सपने तो सपने होते हैं, उनका क्या विश्वास। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं बेटा, जाओ अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करो, वैसे ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। माँ, मुझे लगता है कि मेरी राजुला आज मुझसे मिलने आने वाली है। देनी है जाए सुपल है जाए सेनाथ पंचनाम भगवान हरद्वार हरगिह नौलिंग कालिंग का सुमराड़ भनार जागसेर जागनाथ बागसेर बागनाथ भूमि का भूम्याला बाबा कृपया करके मुझे बैराज का रास्ता बता दीजिए। हे बाबा कृपया करके मुझे बैराज का रास्ता बता दीजिए। बाबा कृपया करके मुझे बैराज का रास्ता बता दीजिए। हे कन्या, मैं तुझे शराब देता हूँ, जिससे तू मिलन करने जा रही उससे तेरा प्रत्यक्ष मिलन नहीं होगा। महारानी की जय हो। सेनापति, अगर कोई भी कन्या चाहे वो सौका देश की ही क्यों न हो, उसे महल में आने दिया जाए और मालूसाई से मिलने दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। और हाँ, हमें जरूर अवगत कराएं। अवश्य महारानी।
इस ट्रिप के लिए आने वाला कल मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सेनापति, आप इस कृत्य के लिए अपने आप को अपराधी ना समझें। आपने जो भी किया है इसमें मालू की ही नहीं पूरे वैराट की भलाई है। आप वैसे भी इसके मामा हैं। मालू, 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 देखो तुम्हारी राजूला आई है। मालू, 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 देखो ना तुम्हारी राजूला आई है। मालू, अगर तुम नहीं उठे तो देख लेना, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। राजूला, राजूला! बेटा मालू, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? माँ, राजूला मुझसे मिलने आई थी पर मैं राजूला को मिल नहीं सका। नहीं बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है। माँ, अगर ये मेरा भ्रम है तो ये पत्र और ये अंगूठी राजूला की कहाँ से है? माँ, कहाँ से? तो बेटा उसे तुम भूल जाओ, वो हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए अशुभ है। माँ, मैं क्यों उसे भूल जाऊँ? क्यों आप हमेशा उसे भूलने के लिए क्यों कहती है? माँ, मुझे आज बताइए तो क्यों आप नफरत से इतनी नफरत करती है? माँ, क्यों? तो बेटा सुनो,
बेटा सुन, उससे रिश्ता क्या हुआ, वो तेरे पिताजी को खा गई। उससे भूल जा बेटा, वो तुझे भी खा जाएगी। राजूला, मैं आ रहा हूं राजूला। आप लोग कदापि अपनी कन्या की चिंता मत करना, वो मेरे साथ खुशी रहेगी। जय चल, छोड़ो मुझे, मत ले जाओ, छोड़ो मुझे, मत ले जाओ, छोड़ो मुझे, मत ले जाओ। चल, ये गुलाब का फूल तो हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा। चल, जा, बचाओ बाबा, बचाओ। चल, जाना है मुझे, जाना है मुझे, बचाओ। नहीं उठती है, नहीं जाना है मुझे, कभी बताता हूँ। छोड़ दे मुझे, नहीं मानेगी तू, छोड़ दे मुझे। चल, ये राक्षस, छोड़ दे मुझे, बचाओ, ये राक्षस कहाँ ले जा रहा है। राजूला, भले मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें छूंगा तक नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आस्ते आस्ते मान ही जाओगे। अधर्मी, ये मनोकामना तेरी कभी पूरी नहीं होगी। मैं चाहूँ तो तेरा चीरहरण कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे देश में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। देखना तू, मेरा मालू यहाँ जरूर आएगा। अगर वो यहाँ आया तो वो उसका अंतिम दिन होगा। वैसे भी वो मेरे भाई से यहाँ भटकेगा तक नहीं, समझे। ओम 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 नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जग कल्याणकारी गोरखनाथ, मुझे मेरी राजुला से मिलवा दो, मैं अपना सब राजपाट छोड़कर आया। ओम नमः शिवाय। अन्यथा गुरुदेव, मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। उठो पुत्र, उठो। तुम इसी प्रकार विलाप करते रहोगे तो क्या तुम्हें ऐसे में राजुला मिल जाएगी? मैं क्या करूं गुरुदेव, उसे तो होंड देश का राजा विकीपाल अपने साथ ले गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव, मैं उसे कैसे लेके आऊं गुरुदेव, जबकि मेरी माँ भी उसे गलत समझती है गुरुदेव। अब मुझे आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं क्या करूं? तुम्हें मैं ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम विक्कीपाल का सर्वनाश कर सको। ओम ओम। महारानी की जय हो। मालूशाही जी ना ही हुण प्रदेश गए हैं और ना ही किसी और प्रदेश, वो शायद यही कहीं हैं। सेनापति, आप किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र को ढूंढिए। आप निराश ना हो महारानी। महारानी की जय हो। महारानी जी आपसे कोई योगी मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले आइए। जो आज्ञा महारानी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटा, 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 तुम इतने दिन कहाँ थे बेटा, और तुमने ये क्या रूप धारण कर रखा है बेटा? माँ, तुम राजुला से नफरत क्यों करती हो? माँ, राजुला के प्रति मेरी कोई घृणा नहीं है मेरे पुत्र, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, मेरी राजुला को हूण देश का राजा विकी पाल लेके गया है। माँ, मैं जाकर हूण देश उसको लेके आऊंगा। माँ, जाओ पुत्र, सेना को भी साथ ले जाओ। नहीं माँ, नहीं, मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं है, ये काम खुद स्वयं करूंगा। माँ, विजयी भव। सेनापति, जाओ पीछे से सेना को भी ले जाओ। जो आज्ञा महारानी।
जागना थे बागना थे जो का मिला जो श्रावे मिलने निभे हमारे बिछड़ गया आज राजा दुला साई चेला मालू साई छू तेरा हूं देश माई राजूला रे मैं राजा दुला साई चेला मालू साई छू तेरा हूं देश माई राजूला रे जो तेरी खातिर मेले मेरा राजूला मेल भी बोते तुम उठाई राजूला रे जो तेरी खातिर मैंने मेरी राजूला मैल भी बोते तुम उठाई राजा दुला सही चेला मन सही छू तेरा हूं देश में आई राजों को रजवाड़ छोड़ी रंगीली बैठा यार खातिर लगी गयू हूं देश का बाटा राजों को रजवाड़ छोड़ी रंगीली बैठा यार खातिर लगी गयू हूं देश का बाटा सपनों में देखी तेरी मयालू मुखड़ी जिन मरण छोरा जुला अब तेरा दगड़ी हाँ गुरु गोरखनाथ जी से विद्या में ले लाई हाँ। राजा को देश छोड़ी हाँ जोगी बनी गई राजूला रे तेरी खातिर अब धरी मैले सुआ पंछी को बेशक राजूला रे सत समुद्र पर करी बिरलाई तेरा हुनियों का देश राजूला रे सत समुद्र पर करी बिरलाई तेरा हुनियों का देश
दुला साई चेला मन साई छू तेरा हूं देश में आई। महारानी मैंने आपको इतनी अच्छी कथा सुनाई फिर भी आपको हंसी नहीं आई। माता की दूध की कसम चिल तुम कह जाई कसम नी भण खातिर हूं देश में आई। माता की दूध की कसम दिल में कह जाई कसम नी भण खातिर हूं देश में आई। तुए मिली जुली करूं लो। अरे महारानी बाहर कोई बाबा भिक्षा लेने के लिए आया है मैं स्वयं उठकर उन्हें भिक्षा देके आती हूं। अरे ठहरो ठहरो मैं बाबा को भिक्षा देके आती हूं। रंगीली बैठा यार हूं देश में आई गयो लिबेर बराता हे राजुला रे फिर दिल की टुकड़ी छई राजुला रे फिर सांसों की डोरी राजुला रे जुग जुग अमर रल राजुला हे हमार प्रेम जो जोड़ी राजुला रे जुग जुग अमर रल राजुला हे। तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अंधेरे में जा रही हो। भालू शाही को कोई ना कोई जानवर तो खा ही गया होगा समझ गई। दुष्ट तेरा कभी भला नहीं होगा तुझे स्वर्ग में भी क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं शराबों दिखा रहा हूँ और तू मेरी बेइज्जती कर रही है। चल साली मस्त मतरक चीज हट करके आ गया मेरा मालू। चल चल मेरे का मालू। चल मालू। राजुला राजुला विक्की पाल ये मालू आ गया मरने के लिए।